हेलो नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात कर लेते हैं खतरों का खिलाड़ी सीजन नंबर 12 के एपिसोड नंबर 5 जो कि था अत्याचारी एपिसोड। लेकिन ये अत्याचार कंटेस्टेंट पर, खिलाड़ियों पर कम, ये ऑडियंस पर भयंकर लेवल वाला अत्याचार था, क्योंकि यहाँ पर ओवर एक्टिंग का अत्याचार परोसा गया था। इतनी भर भर के भीषण घनघोर लेवल की ओवर एक्टिंग, कंटेस्टेंट के ओवर द टॉप वाले रिएक्शंस, रोहित शेट्टी की अतरंगी बातें और उनके बाद जो दो महिलाएं जो गार्ड्स थी या कौन थी उनका सबसे फोन लेना और फोन के लिए इन कंटेस्टेंट का ऐसे रोना बिलखना, वो भी डमी नकली फोन्स के लिए, और इन सब के ऊपर निशांत द छमिया की भर भर के ओवर एक्टिंग की, हाय गाइस वो देखो वो जो दो बोर्ड्स थी वो हमको यहाँ छोड़ के चली गई, ओह माय गॉड हम कैसे जाएंगे। बात तो ऐसे कर रहा था जैसे सिर्फ ये खिलाड़ी वहां पर है, जिस कैमरे में देखकर ये लोग रिएक्शन दे रहे थे वो क्रू मेंबर्स, कैमरामैन, स्टंट डिजाइन करने वाली टीम, रोहित शेट्टी, इन लोगों के खाने पीने का ध्यान रखने वाले, केटरिंग टीम, लॉजिस्टिक टीम, दुनिया भर के लोग, आई थिंक 100-150 लोग होंगे वहां पर। लेकिन ये प्रिटेंड ऐसे कर रहे थे जैसे कि सिर्फ एक टापू पर इनको छोड़ दिया गया है, सुख सुविधा इनसे छीन ली गई है, तंबू में रहेंगे, लग्जरी लाइफ वगैरह कुछ नहीं मिलेगी। सब ये ड्रामा था, ओवर एक्टिंग से भर भर के ये चीजें थी। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि ऐसे करोड़ों लोग होंगे जिन लोगों को ये ओवर एक्टिंग बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। खैर, इन चीजों को साइड में रख के एपिसोड के स्टंट वगैरह की बात कर लेते हैं। तो ये जो एपिसोड था, सारे जो कंटेस्टेंट है इनको होटल वगैरह से उठा करके बस में डाल करके एक लोकेशन पर भेज दिया जाता है, इन सबके फोन छीन लिए जाते हैं, सबको उल्टा लटका दिया जाता है। अब चूंकि ये था अत्याचारी वीक, तो यहाँ पर स्टंट में तो अत्याचार होगा, स्टंट के बाद में और पहले भी अत्याचार होगा, सबको उल्टा लटका दिया जाता है। और जैसे चाय में बिस्किट गिरता है वैसे इन सबको बिस्किट बना दिया, नीचे समंदर रूपी चाय, छई छप्पा छई करो, जो अच्छा कर पाएंगे वो लोग स्टंट करेंगे, बाकी सब जो है उन लोगों से लग्जूरियस लाइफस्टाइल वगैरह जो है वो छीन ली जाएगी, वो एक ऐसे थके हाल से तंबू बंबू में रहेंगे। जो लोग ये टॉर्चर या अत्याचार झेल जाएंगे वो लोग स्टंट करेंगे, उनमें से जो स्टंट जीतेगा उसे एक लग्जूरियस तंबू वगैरह मिल जाएगा, और जो लोग नहीं कर पाएंगे उनको और ज्यादा टॉर्चर आगे सहने को मिलेगा। तो यहां पर सारे कंटेस्टेंट को उल्टा लटका दिया जाता है, पानी में छई छप्पा छई उल्टे लटक के कर रहे हैं। हम देखते हैं कि यहां पर कुछ लोग हैं उनका दम घुटने लगता है, कुछ लोग नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, और यह चीज करना कोई आसान तो है नहीं। आप उल्टे लटके हो, पैर ऊपर है, सिर नीचे है, लोगों को चक्कर भी आने लगते हैं, उसके बाद आपको पानी में डुबकी लगवाई जा रही है, नाक में पानी घुस सकता है, मुंह में पानी घुस सकता है, तो रिस्क तो बहुत ज्यादा था। अरे भैया रिस्क है, इसीलिए तो इन लोगों को एक एक एपिसोड का 15 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 18 लाख तक मिल रहा है। आपको तो पता ही था कि ऐसे शो में आप आए हो तो यहाँ पर थाली में सजाकर तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, किसी किसी को मिल जाएगा, सबको नहीं मिलेगा, लेकिन ये वाले स्टंट में बिग बॉस के जो महारथी हैं, निशांत द छमिया, प्रतीक द सेजपाल, रुबीना द दलेक और स्ट्रॉन्ग द वुमन, ये सबसे पहले निकलने वाले लोगों में थे। इनको चक्कर आने लग गए, पानी में दम घुटने लग गया। तुषार द मैचो मैन या मोहित द मलिक, ये भी सरेंडर कर गए, गिव अप करके चले गए एक के बाद एक, फिर किसी को चक्कर भी आते हैं, किसी को कुछ भी आता। कई लोग इनके फैंस कहेंगे भाई बहुत खतरा था, रिस्की था। भाई रिस्की था तभी तो इनको इतना हैवी अमाउंट मिल रहा है ना, फ्री फंड में तो नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं है? तो यहां पर एक एक करके सारे कंटेस्टेंट जो रहते हैं वो गिव अप कर देते हैं। यहां पर प्रतीक सेजपाल का स्पेशल मैं मेंशन करना चाहूंगा। प्रतीक सेजपाल जिसको वन मैन आर्मी बोला जाता था, पता नहीं क्या क्या बोला जाता था, लेकिन ये सेकेंड वीक इन अ रो है जहां पर प्रतीक ब्लंडर कर रहा, और यहां पर तो रोहित शेट्टी ने उसको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया। पिछले सप्ताह भी रोहित शेट्टी की बात नहीं मानी, प्रतीक ने डांट खाई, स्टंट परफॉर्म नहीं कर पाया। यहां पर भी उसने स्टंट के पहले टॉर्चर में ही वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, डिस्क्वालीफाई हो गया। जबकि ये वाला जो टॉर्चर चल रहा था, जन्नत, जुबेर, चेतना और शिवांगी, जिनसे शायद किसी ने उम्मीद नहीं की होगी, लेकिन ये तीनों लड़कियां वहां पर अपना दम दिखा देती हैं, सो कॉल्ड स्ट्रांग वुमन, वो भी यहां पर चक्कर खा के औंधी हो जाती हैं। खैर, यहां पर ये जन्नत, शिवांगी और चेतना ही हैं जो कि ये टॉर्चर सहकर स्टंट करने के लिए तैयार होती हैं, अदरवाइज सारे के सारे वो मुस्टंडे मैचोमैन तुषार, मोहित, अरे मोहित तो इस एपिसोड में ऐसा घनघोर वाले बेइज्जती करा के गया है, उस पर हम आते हैं बाद में। खैर, यहाँ पर ये तीनों लड़कियां स्टंट करती हैं, एक बॉक्स है जिसमें कॉकरोच, केकड़े वगैरह ये सब कुछ है, इन बॉक्सेस के अंदर है कोड और आपको वो कोड ढूंढना है, फिर मोबाइल में एक पैटर्न लॉक है वहां पर आपको ये कोड वगैरह डाल के वो मोबाइल अनलॉक करना है। पहले बॉक्स में कॉकरोचेस थे, दूसरे में कुछ वो केकड़ा वेकड़ा और ये सारी चीजें थी, और जिसमें पानी भी था, तो वहां आपको हाथ नहीं डालना, आपको मुंह से वो केकड़े हटाने हैं और वो कोड देखना है,
तो शिवांगी और चेतना यहां पर नहीं कर पाती हैं। यहां पर ये जो लड़की है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका जन्नत, जिससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, ये वो टॉर्चर को भी सहती है, उसके बाद ये स्टंट में भी अच्छा परफॉर्मेंस देती है और इस वीक ये जो टॉर्चर वगैरह है इनसे वो मुक्ति पा लेती है। यहां पर रोहित शेट्टी हल्के तरीके से रोस्ट भी कर देते हैं रूबीना दिलैक को, ये बोलकर कि रूबीना तुम्हारी एडवाइस और तुम्हारी सलाह के बगैर ये जीत गई जन्नत जुबैर। अब रूबीना फैंस क्या बोलेंगे भैया, पिछले सप्ताह वो कार वाला स्टंट जन्नत ने किया था, वहां पर वो उसने लॉक भी खोल दिए थे, लेकिन रूबीना हर चीज का क्रेडिट ले रही थी, अरे मैंने बताया था नीचे से ऊपर करो, नीचे से ऊपर करो। अब इस वाले स्टंट के लिए रूबीना फैंस क्या बोलेंगे, क्या लॉजिक देंगे? यहां पर जन्नत ने अपने बूते वो स्टंट जीतकर खुद को यहां पर ये जो टॉर्चर वगैरह उन सबसे सेफ कर लिया है। अगले स्टंट की बारी आती है, उस स्टंट के पहले कुछ बहुत सारा खाने पीने के लिए नॉन वेज वेज वगैरह सब रखा है, आप ये ऐसा कुछ खाना था जो शायद लोगों के गले ना उतरे, लेकिन यहां पर रूबीना को 550 ग्राम, तुषार 700 ग्राम और प्रतीक 500 ग्राम और वो क्या नाम लड़की का, अनेरी जो कि इस वीक जाने वाली है बाहर, वो 25 ग्राम ही खा पाती है। अब यहां पर ये थर्ड क्लास वाहिया टाइप की कुछ चीजें ये लोग खा करके स्टंट के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, जहां पर अपना अपना पार्टनर चुनना है। रूबीना चुनती है निशांत को, प्रतीक चुनता है राजीव को और ये तुषार चुनता है मोहित मलिक को। मेरी तरह आप सबने सोचा होगा कि तुषार और मोहित जो है ये स्टंट को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे और स्टंट भी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। स्टंट ये वाला जो था बिजली के झटके लगने वाला, चाबी निकालो वे ताला खोलो करंट लगता जाएगा। अगर आप याद करें तो पिछले सीजन में विशाल आदित्य सिंह और राहुल वैद्य की जोड़ी, जिसमें स्पेशली विशाल आदित्य सिंह ने ये वाले स्टंट में फाड़ के रख दिया था, बहुत दमदार तरीके से ये स्टंट परफॉर्म किया था। सो यहां पर ऐसा तो है नहीं कि ये स्टंट कुछ ऐसा था जो हो नहीं सकता, ये स्टंट हो सकता है और ये स्टंट कैसे किया जाना था ये रूबीना और निशान ने दिखा दिया। रूबीना को मैं कितना भी नापसंद करूं, लेकिन ये वाले स्टंट में उसने फाड़ के रख दिया था। एक तो जबरदस्त तरीके से करंट के झटके मिल रहे हैं और करंट को सहते सहते चिल्ला चिल्ला के और थोड़ा कॉमेडी वाला माहौल बनाकर उसने बढ़िया तरीके से स्टंट परफॉर्म किया, जिसकी जितने शब्दों में तारीफ की जाना वो कम है। अब रूबीना फैंस बोलेंगे कि अरे अरे डीएसके तू कैसे तारीफ कर रहा है रूबीना की, अब भाई रूबीना ने स्टंट अच्छा परफॉर्म किया है तो मैं अच्छा तो बोलूंगा, मैं पहले भी बोल चुका हूं जो जैसा करेगा मैं वैसा ही बोलूंगा। अब यहां पर तुषार और मोहित जो कि पहले गए थे, हां एक चीज आपको यहां पर ध्यान जरूर देनी चाहिए, पहला वाला जो स्टंट था जहां पर कोड खोलने हैं वो कॉकरोच और केकड़े वगैरह, वहां पर रोहित शेट्टी बोलता है कि चेतना और शिवांगी और जन्नत आप तीनों में से जो कोई भी स्टंट करेगा उसका स्टंट बाकी के जो दो खिलाड़ी वो नहीं देखेंगे, लेकिन यहां पर सबकी मौजूदगी में वो स्टंट होता है। तो यहां पर रोहित शेट्टी के रूल्स किसी के लिए अलग होते हैं, किसी के लिए अलग होते हैं। खैर यहां पर मोहित और तुषार सबसे पहले जाते हैं, तकरीबन 27 या 26 मिनट के आसपास कुछ लेते हैं। तुषार ने तो भी थोड़ा सा दमदार तरीके से परफॉर्मेंस किया, रोहित तो ऐसे उछल रहा था, ऐसे उछल रहा था जैसे कि पता नहीं कितने वॉट का उसको झटका लग रहा हो। यहां मैं उम्मीद कर रहा था कि मोहित और तुषार बगैर किसी परेशानी के स्टंट कर लेंगे, परेशानी मतलब ऐसा कि थोड़ा बहुत करंट झेल लेंगे, जैसे हमने विशाल आदित्य सिंह को देखा था, करंट लगता रहे तो लगता रहे, एक बार लगेगा दो बार लगेगा, उसको पकड़ लो ताले को और खोल दो चाबी, यहां पर यह चीज की जानी चाहिए थी। लेकिन मोहित तो बार बार छुक छुक अरे अरे लग गई लग गई, अरे ओ माय गॉड, ये मतलब यहां पर कोमल कली बन चुके थे मोहित मलिक, जिनकी वजह से ये स्टंट इन लोगों ने काफी टाइम ले लिया। इन लोगों ने आई थिंक 20 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए था और 20 मिनट के अंदर कैसे किया जाता है ये निशांत और रूबीना ने बता दिया, जहां पर निशांत तो सिर्फ ओवर एक्टिंग कर रहा था, रूबीना भी बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी, बहुत ओवर एक्टिंग कर रही थी, लेकिन उसने स्टंट परफॉर्म किया। आई थिंक 19 मिनट के अंदर रूबीना और निशांत की जोड़ी ने यह स्टंट परफॉर्म किया। अब चूंकि यहां पर तीन जोड़ियां जाने वाली थी तो थर्ड जोड़ी थी प्रतीक और राजीव की, जिनके बारे में कुछ ना ही बोला जाए तो बेहतर होगा, लेकिन थोड़ा बहुत बोलना तो पड़ेगा। यहां पर प्रतीक ने खुद अपना पार्टनर पिक किया था राजीव को, और राजीव क्या है इस सीजन का जोकर नंबर वन, वो सिर्फ जोकर पंती करेगा, हिंदी का मजाक बनाएगा, स्टंट परफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उसको रखा जाएगा। वैसे आपको बता दूं प्रतीक तो ऑलरेडी इंडिया आ भी चुका है, उसका एलिमिनेशन हो चुका है। अभी प्रतीक के एलिमिनेशन के बाद मैंने काफी लोगों के ट्वीट्स चेक किए जो कि प्रतीक को वन मैन आर्मी, टाइगर, ये वो पता नहीं क्या क्या बोला करते थे, जबकि प्रतीक के बारे में बिग बॉस ओटीटी के टाइम से जो मेरा ऑब्जर्वेशन है ना वो टाइम के साथ और ज्यादा सही साबित होता जा रहा है। बिग बॉस ओटीटी के टाइम से मैं इसको कहता रहा था प्रतीक को कि ये बोल बच्चन है, ये सिर्फ लूप होल्स ढूंढता रहता है, दूसरों के बल पर झुंड में आगे बढ़ता है, खुद के बूते प्रतीक से कुछ नहीं हो पाता, और कल फिर साबित हो गया कि प्रतीक एक नंबर का बोल बच्चन है। बस प्रतीक के डिफेंस में वो तमाम लोग जो तीन तीन चार चार घंटे डिबेट करते हैं अपने YouTube चैनल्स पर प्रतीक की पीपड़ी बजाते रहते हैं, उन लोगों से मैं एक सवाल जरूर करना चाहूंगा कि वो लोग जो कहते हैं कि प्रतीक बहुत अच्छा है, डेयरिंग है, ये है वो है, यहां पर भी उसने ब्लंडर ही करके रख दिया। आप लोग प्रतीक के डिफेंस में ये बोल सकते हो कि प्रतीक को पानी वाले स्टंट दिए जा रहे थे, सबसे पहला वाला स्टंट जो कि पानी वाला था वहां पर प्रतीक जीता था, लेकिन वो तुषार अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में हार गया था, वो पानी वाला स्टंट, नेक्स्ट वीक फिर से वो पानी वाला स्टंट जहां पर चेतना और प्रतीक पार्टनर थे वहां पर भी प्रतीक ब्लंडर करके चला,
या फिर यहाँ पर उल्टा लटका दिया, अगेन पानी वाला स्टंट, आप बार बार यही बोलोगे उसको स्विमिंग नहीं आती, लेकिन ये जो करंट वाला स्टंट था इसमें क्या हो गया था? इसमें रूबीना और निशांत काफी अच्छे से परफॉर्म कर गए, और ये प्रतीक और ये क्या नाम इसका राजीव तो कुछ कर नहीं रहा था, उसका तो पेंट भी नीचे सर के जा रहा था। स्टंट के नाम पर सिर्फ कॉमेडी चल रही थी, ओवर एक्टिंग चल रही थी, भद्दा सा मजाक चल रहा था। प्रतीक क्या कर रहा था? प्रतीक तो कुछ नहीं कर रहा था, बस वो ताले को टच कर आ आ आ ये सब चल रहा था। उसके बाद लोग उसको बोल देते हैं वन मैन आर्मी, टीआरपी किंग, क्या मतलब, जो बंदा स्टंट ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाया 3 वीक में डिस्क्वालीफाई हो जाता है, बार बार होस्ट की डांट खाता है, आप उसको कैसे मतलब लोग जस्टिफाई कर देते हैं यार, जबकि प्रतीक एक नंबर का बोल बच्चन है। वहीं दूसरी तरफ देख लो उसको जन्नत को या फिर श्रुति भी पहले स्टंट में गिव अप कर गई थी वो टॉर्चर में, लेकिन अब तक ये तीसरा वीक है हमने श्रुति को या जन्नत को या फिर फैजू को या फिर मोहित मलिक को बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हुए बड़ी बड़ी बातें करते हुए नहीं देखा। लेकिन ये प्रतीक सहजपाल या गुप्ता यूनिवर्सिटी के जितने भी है ना लौंडे लपाड़िया, ये सब लुखे होते हैं, एक नंबर के बड़बोल होते हैं, ये बस बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, बड़े बड़े बोल बोलते हैं, लेकिन उनके एक्शन से वो अपने बड़े बोल को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। जबकि यहाँ पर जन्नत बहुत ज्यादा कुछ बोलती है नहीं, इनफैक्ट वो स्टंट में अगर कुछ भी करती है तो रूबीना उसका क्रेडिट खुद ले जाती है, लेकिन जन्नत जुबैर ने यहाँ पर अपने स्टंट से सबका मुंह बंद कर दिया। श्रुति झा का अगर आप ग्राफ देखें वो कभी स्टंट बहुत अच्छा करती कभी नहीं कर पाती, पिछले वीक काफी अच्छा किया, यहाँ पर वो टॉर्चर सह नहीं पाई, हालांकि अभी उनका स्टंट होना बाकी है। तो मुझे इस तरह के लोग ज्यादा पसंद आते हैं जो कम बोलते हो और ज्यादा करके दिखाते हो, और ये प्रतीक सहजपाल जैसे लोग मुझे कभी पसंद नहीं आया जो सिर्फ बड़ी बड़ी डींगे फेंकते रहते हैं और झुंड में चलते हैं, ऐसे लोग सिर्फ बोल बच्चन होते हैं। मुझे ऐसे लोग न तब पसंद थे न अब पसंद है न आगे पसंद होंगे, मैं उन लोगों को पसंद करता हूं जो कम बोले लेकिन ज्यादा करके दिखे। जैसे कि फैजू वो स्टंट के टाइम अपना 200 दे के आता है, हालांकि कल वो एक जो खाने वाला जो था उसने कहा कि इससे मुझे एलर्जी है तो मैं नहीं खाऊंगा, तो उसने वो नहीं खाया, वो डायरेक्टली एलिमिनेशन स्टंट में आ चुका है फियर फंदा पहन के, और उसके पहले जो पानी में उल्टा लटक रहे वहां पर भी ये फैजू वाज द लास्ट मेल कंटेस्टेंट जो कि आखिरी तक टिका था, फिर बाद में वो घबरा गया हड़बड़ा गया, इसलिए उसने वो अत्याचार वाला जो पानी में लटकने का था वो वहां पर उसने गिव अप कर दिया था। अदरवाइज फैजू, श्रुति, जन्नत ये अपने बारे में कोई डींगे नहीं हाँकते, बट ये स्टंट में दिखाते कि इनमें कितना कैलिबर है, कितना पोटेंशियल है। वहीं ये बिग बॉस के जितने भी है वो छमिया क्या नाम उसका निशांत, बिग बॉस में बड़ा वो नाग बना फिरता था, लेकिन जब असली के नाग देखे तो उसकी फटके फलावर हो गई। ये रूबीना कल स्टंट अच्छा कर गई वो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ओवर एक्टिंग नहीं करती, वो भी बड़ बोली है, बहुत ज्यादा बोल बच्चन देती रहती है, और उसका कॉन्फिडेंस तो नेक्स्ट लेवल पे है, उसे पता है कि वो तो ट्रॉफी जीतने वाली है वो स्टंट करे ना करे, लेकिन कल उसने स्टंट बहुत अच्छा किया, तो ये पॉइंट्स तो उसको मिलने चाहिए, उसको यहाँ क्रेडिट तो मैं डेफिनेटली दूंगा, क्योंकि एक ऐसा स्टंट जहां पर मोहित और तुषार अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए वहां रूबीना अच्छा परफॉर्म कर गई, तो डेफिनेटली वो यहां तो तारीफ डिजर्व करती है। खैर, प्रतीक और ये जो राजीव था ये सबसे बड़े वाले लूजर साबित हुए, तो इन्हें यहां पर फियर फंदा मिल जाता है। इसके बाद जो स्टंट है वो हम देखेंगे आज रात को, कुछ जमीन में गाड़ दिया जाएगा, और कैसे मेरे कुत्ते वाला स्टंट है जहां पर वो कनिका मान काफी ज्यादा इंजर्ड वगैरह हो गई थी, उसने अपने फोटो भी शेयर किए थे, अब ये सारी चीजें हम देखेंगे आज रात के एपिसोड में। अब आप कमेंट करके जरूर बताइएगा जिस तरह से अत्याचार के नाम पर ओवर एक्टिंग परोसी गई है, नकली फोन वहां टूट रहे थे उसके लिए ऐसे ये लोग गुर्दे छिला रहे हैं जैसे कि पता नहीं इनकी किडनी छीन ली गई हो, ऐसे वो निशांत ओवर एक्टिंग कर रहा था, देखो वो नाव चली गई वो शिवांगी कैमरे में देख रही हो, और फिर प्रिटेंड ऐसे करते हैं कि टापू पर इनको वीरान छोड़ दिया गया है, तो इतनी क्रिंज, इतनी थर्ड क्लास, इतनी वाहियात हरकतों को भी बहुत सारे लोग क्यूट, इनोसेंट, वाह बोल करके जस्टिफाई करते रहेंगे, कई लोग आएंगे यहां पर उन चीजों को भी जस्टिफाई करने, बट मुझे वो चीजें कतई पसंद नहीं आती है। मेरा ये फलसफा है कि एक स्टंट ओरिएंटेड शो है तो चीजें काफी सीरियस होनी चाहिए और हर चीज को एकदम सीरियसली दिखाना चाहिए, लेकिन कलर्स वाले टीम हर चीज का बेड़ा गर्क करने में लगे हैं, पहले उन्होंने बिग बॉस की रेड पीट के रख दी, उसको स्प्लिट्स वाला बना दिया, एंड अब ये लोग खतरों के खिलाड़ी को खतरा 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 प्लस बिग बॉस का मिश्रण बना करके ऑडियंस पर थोपना चाहते हैं, मुझे तो ये चीज समझ में आई है। अब आप भी कमेंट करें और बताएं आपकी ओपिनियन कि आपके मुताबिक कौन सा स्टंट सबसे डिफिकल्ट था, एंड क्या आपको नहीं लग रहा कि प्रतीक और राजीव सबसे एंड में गए थे स्टंट करने, उनके पास सबसे ज्यादा एडवांटेज था, वो देख चुके थे रूबीना और निशांत ने कैसे किया, एंड वो ये भी देख चुके थे कि तुषार और मोहित के टाइम पर उन्होंने कैसी कैसी मिस्टेक्स की, किस वजह से टाइम ज्यादा लगा, तो इतना सब देखने के बावजूद प्रतीक और राजीव अपने स्टंट के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या अब भी आपको प्रतीक से कोई उम्मीद है? मुझे तो वो पहले भी बोल बच्चन लगता था और अब तो वो सर्टिफाइड ऑफिशियल बोल बच्चन बन चुका है, क्या कहना आपका? कमेंट अवश्य कीजिएगा, एंड यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, आपने समय निकाला वीडियो देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।